आप बड़े। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 9:30। अभी मैं आई हूँ किचन में, तो ये देखो पानी लगा रखा है मैंने गर्म करने के लिए। और हनी अभी सो रहा है, आज संडे है तो हनी के पापा घर पे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ड्यूटी कट चुकी है, अदरवाइज ड्यूटी रहती तो आज भी उनका काम रहता, वो ड्यूटी पे रहते। और आज मैं बना रही हूँ गहत की दाल, जो कि मेरी मम्मी ने दी थी गहत। और दिखाती हूँ मैं गहत कैसे, तो बहुत टेस्टी दाल होती गहत की। और दिखाती हूँ, एक सेकंड। एक तो मैंने मसाले डाल दिए ना, मसाले डाल दिए थे इसमें। ये देखो, ये पूरी नाइट मैंने भिगो के रखे थे, सिर्फ और सिर्फ गहत है ये। गहत ये देखो कितना अच्छे से फूली हुई है ना दाल, तो इसमें मैंने भिगो के रखा हुआ था कल रात को। और एक दो सीटी का काम है, मसाले डाल दिए। और हनी भी उठ गया आई थिंक। हाँ मम्मी, गुड मॉर्निंग। आ जाओ तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी। टाइम पे क्या कर रहा है? नहीं, तुम पढ़ाई, पढ़ाई। हाँ वेरी गुड, लिखो लिखो लिखो, लिखते रहो लिखते रहो। हाँ वेरी गुड, बना दिया। फिर हाँ, अब एफ फॉर फिश बनाओ। ये आइटम काम है। हाँ और ये क्या काम है? हाँ एफ फॉर फिश। मम्मी एफ फॉर है वेजिटेबल है। नहीं, भी फॉर वेजिटेबल होता है, एफ फॉर फिश होता है। लिखो लिखो लिखो, टाइम वेस्ट नहीं करना है हनी, पढ़ो पढ़ो, लिखो लिखो। आज पहली बार हनी खुद से पढ़ाई कर रहे है सुबह के टाइम पे, नहीं हनी? अदरवाइज हनी पढ़ाई करता ही नहीं है। हाँ लिखो, एफ फॉर वेरी गुड। क्या नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा पेंसिल छिलती हूँ मैं, इधर दे। जो है लेने भी जा रहा है, और हनी मुंडन के बाद पहली बार बाल कटवाने जाएगा ना हनी। कैसे दौड़े घोड़े, पता नहीं किसी गाड़ी को ना ठोक दे। और हमने खाना वगैरह खा दिया, 12 बज चुका है। अभी मेरे कपड़े नहीं धुले, उसके बाद मैंने कहा चलो फटक से हनी के बाल कटवाते हैं, फिर हनी को नहलाना भी है ना। कैमरा फिर से गंदा हो गया। चलो ये दोनों देखो, चलो चलो। ओहो, हनी हनी बाल कटाएगा और उसके बाद किंडर जॉय लेगा। कितना लेगा? यानी जब है तो छोटे वाले दुकान पर रहते हैं यार हनी, उसके वो अंदर डालो और उसके सॉक्स वो उसमें पहना दो मतलब। तो चलो यहाँ नीचे पे है दुकान, देखते हैं क्या करता है हनी, है ना हनी? हाँ फर्स्ट टाइम हनी के हेयर स्टाइल करेंगे हम, थोड़ा कटवाएंगे बाल, बहुत लंबे बाल हो गए इसके। कुछ नहीं होगा बाबा, बस बन गए। देखने अच्छा लग रहा है, देख। कितना डर रहा है, ये कैसे लग रहा है रोते हुए? रोना नहीं है बाबा, रोना नहीं है। देख अब अच्छा हो गया, देख दर्द कहाँ हो रहा, देख कितना सुंदर लग रहा है। डरना नहीं है बाबा, डरना नहीं है। ये देख रहे हो तू, यहाँ देखिए कैसे होगा, कितना अच्छा लग रहा है। ये अपने पापा की तरह नहीं नहीं मम्मी भी यहीं पे, कुछ नहीं होता हनी। अब तो देख, अब कैसे करेंगे, बस थोड़ा सा देख। हीरो जैसा दिख रहा, देखो ये कहानी है वो। दादा हो गए, हो गए, हो गए। उधर इधर आओ, तो कुछ नहीं है। यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, तो मैं तेरे को तेरे वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है? ठीक है, कितना हीरो लग रहा मेरा हनी। ये
हेयर स्टाइल तो देखो, हेयर स्टाइल नहीं है, सिर्फ हेयर कट हुए है ना हनी। हाँ। ओ दोस्तों देखो देखो देखो, हनी कह रहा है ऐसे, बोलो मम्मी दोस्तों इधर दिखाओ। वाओ ब्यूटीफुल, नहीं यार ब्यूटीफुल नहीं, हैंडसम और क्यूटी पाई। हनी कैसा लग रहा है, हनी के पापा उधर देखो ना कैसे फ्रॉक जम कर रहा है फिर से। हनी हनी डुप्लीकेट अपने पापा की तरह दिख रहा है देखो। हाँ कैसे जंप मारा ये देखो। हेलो दोस्त, ये देखो ये दिख रहा है। अब किसकी तरह दिख रहा है हनी? डैडू तरह, डैडी हीरो की तरह दिख रहा है ना। हाँ ये देखो हनी का फ्रॉक जंप देखो ना। बहुत सुंदर लग रहा है हनी। टाइम एक से ज़्यादा हो गया ना हनी के पास। टाइम कितना हुआ? टाइम एक से ज़्यादा हो गया, अभी तक हमने नाश्ता नहीं बनाया। दो बाल्टियाँ भरी हुई है मेरे कपड़ों की। और ये देखो मेरा हीरो, सो क्यूट। रो थोड़ी ना रही, रो थोड़ी रही मैं। हनी कितना रोया यार, बहुत रोया हनी, बहुत ज़्यादा। हनी यहीं पे बैठो। वाओ वाओ हनी हीरो लग रहा ना। चलो हो गया हनी की मस्ती, और मैं जा रही हूँ अब कपड़े धोने। ओके हनी। तारा तू है रे मेरा आँख का, तू है रे मेरा आँख का तारा। ये गंदा गंदा सब फुदक रहा है, क्या फुदक रहा है ये, क्या फुदक रहा है। हो गया तेरे डांस। वेरी गुड। तो हम बना रहे हैं अभी आलू के पराठे, और ये आलू यहाँ पे उबाल के इसमें रखे थे ताकि पानी जल्दी से निकल जाए। हनी के पापा कर रहे थे आलू छिलने का काम, और मैं आटा बना रही थी, और यहाँ पे धनिया काट के रखा हुआ है। हनी कुछ कह रहा है, हनी क्या कह रहे हो, क्या चाहिए? बिस्किट खाना गलत बात है ना। मम्मी पराठे बना रही, तो इधर दिखाओ तो जरा अपनी हेयर स्टाइल सब लोगों को, इधर दिखाओ। हाँ चल चल, लेके आ रही हूँ मैं। ये देखो उसको नींद आने लगी, और 3 बजने वाला है, टाइम ज़्यादा हो गया आज। अच्छा हनी कह रहा मम्मी मेरे को दिखाओ। ओहो ये है हनी। हनी पूछो मैं कैसे लग रहा हूँ। अरे मैं तो पूछ रही हूँ, बताना हनी कैसे लग रहा है हेयर कट करने के बाद। लॉलीपॉप जैसे दिख रहा है। ठीक है ठीक है, चलो 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 फटक से बना देते हैं पराठे। तो ये है मिक्स मसाले, धनिया और मिक्स मसाले। कितना डालूं? बहुत है। कच्चे में थोड़ा और डालो, नमक डालो। अरे हो गया ज्यादा, ये हो गया। और इसमें नमक, हमें बताना है कितना। ये हो गया नमक, ये सादा मसाला है। इसमें हल्दी है और मिक्स पता नहीं कौन से मसाले, लेकिन मिर्च नहीं है इसमें, और थोड़ी सी हल्दी डालते हैं। तो ये हो गया आलू का डो तैयार। ये देखो बहुत अच्छे से मिक्स जितना अच्छे से होगा पराठे उतने अच्छे से बनेंगे। अदरवाइज अगर ये आलू ऐसे ही रहा तो पराठे फट जाते हैं, मतलब रोटियाँ फट जाती हैं। यम्मी गधा क्या कर रहा है यहाँ पे, इसने देखो यहाँ पे सारा ये देखो गिरा के बिगड़ रखा यार, ये बहुत ज्यादा बिगड़ गया ना। हनी हनी के पास क्या है, ये गन है ना। किस में मिली तेरे को ये गन? किस में मिली? तूने खाया क्या इसके साथ है? क्या खाया? नहीं लेके क्या आया था, किस में मिला तुझे ये खिलौना? तो हनी को ये मिला किंडर जॉय के अंदर ना, 4 किंडर जॉय लेके आया था। हनी के पास कितने सारे खिलौने मिल गए ना हनी। हाँ ठीक है ठीक। तो मैं बेल रही हूँ रोटी, और अभी देख सकते हो मैंने आधी बेल चुकी हूँ मैं, और एक जो पराठा है वो हनी के पापा बना चुके हैं। हनी के पापा ने नए स्टाइल में बनाई थी, लेकिन मैंने कहा चलो मैं ही बनाती हूँ यार, छोड़ो ना, है कि नहीं। उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, पहले वो गोल बेल रहे थे और उसको कट कर रहे थे, और फिर चारों
आई थिंक मुझे लग रहा है तीन हिस्से कर रहे थे और तीन हिस्सों में ये देखो ये बना रखा है और बिल्कुल जैसे वो बनते हैं ना क्या बोलते हैं उनको समोसे बनते हैं उसी तरीके से बनाया था और उसके पास उसके बाद इसको बेला था। और इसमें क्या होता है ना जो ये स्टफिंग होती है वो बहुत अच्छे से मेल्ट मतलब बहुत अच्छे से फैल जाती है जो हनी के पापा ने बनाई थी जो वाला जो पराठा, लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2:30 बज चुका है और हनी का सोने का टाइम भी, अगर वो सो गया तो फिर वो नाश्ता करेगा नहीं, इसलिए मैंने कहा चलो फटाफट से मैं यही वाली बना देती हूँ। और ये पराठा है मेरा बनाया हुआ। देखो मैं पराठे बहुत बड़े बनाती हूँ, एक बार मेरे भैया भी आए थे उन्होंने कहा था कि तो बिल्कुल क्या कहते हैं होटल के जैसे पराठे बनाती है, तो ये देख सकते हो आप कितने बड़े पराठे बनाए हैं। तो चलिए फिर इसी तरीके से और भी पराठे बना लेते हैं, 4-5 पराठे बनेंगे। तो चलिए पराठे हमारे बिल्कुल रेडी हैं। कितने बनेंगे? 4-5 पराठे बने होंगे। और ये है पराठे। हनी किस तरीके से देख रहा है, देखो हनी को बिल्कुल पसंद नहीं है कुछ खाना पीना, इसलिए हनी अजीब ढंग से देख रहा है ना हनी। तो पराठे बिल्कुल रेडी हैं और दाल है सुबह की दाल, चाय के साथ हम खाएंगे पराठे। आप लोग भी खा लो पराठे, नहीं हनी ये। तो हम करते हैं हम नाश्ता और टाइम 3:30 होने वाला है। ओ माय गॉड, उस टाइम पे 2:30 हो रहा था, 3:30 होने वाला है। और मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और हनी का जो हेयर स्टाइल है आप लोगों ने देख ही दिया होगा, आप लोगों को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि हनी कितना रोया हनी, बट उतना नहीं जितना मुंडन के टाइम पे रोया था। रोया इतना रोते ही हैं फर्स्ट टाइम बच्चे। और कल मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि एक प्रे जो हनी भगवान से जो प्रे कर रहा था वो वाली क्लिप शेयर करनी थी, लेकिन मैं भूल गई। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं पक्का शेयर करूँगी। और इसमें भी नहीं कर सकते शेयर क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो मैं नहीं चाहती ब्लॉग काफ़ी लंबा हो और लोग बोर हो देखने में। तो इसलिए मैं करती हूँ अपना वीडियो यहीं पे एंड, तब तक के लिए बाय।